नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आईएनएन टेक्नोलॉजी के इस नए अमेजिंग वीडियो पर। दोस्तों, आप सभी की सुरक्षा और सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए हम हमेशा सेल्फ डिफेंस गैजेट्स फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही लाते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही बहुत सारे हाईटेक डिफेंसिव वेपन्स आप सभी के लिए लेके आया हूँ। साथ ही हम कुछ कूल एंड अमेजिंग हाईटेक प्रोडक्ट्स भी देखेंगे जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेबल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्कार्दी SC-X10। दोस्तों, आप अगर कैंपिंग वगैरह करना पसंद करते हैं या फिर सर्वाइवल सिचुएशंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के गैजेट की जरूरत पड़ेगी। ये दरअसल एक कैंपिंग हैडेच है जो 3CR13 स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल भी है। किसी भी चीज को काटना या फिर स्लाइसिंग करना या फिर हैमर की तरह इस्तेमाल करना हो, हर एक काम में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टीपर्पोज के लिए भी ये काफी ज्यादा यूजेबल हो सकता है। मार्केट में इसका प्राइस लगभग 3699 रुपीस है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्कार्दी SCT-PT2। अब दोस्तों, आपको एक ऐसी कीरिंग दिखाऊंगा जिसे आप एक मल्टीपर्पोज डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 17 अलग अलग तरह के छोटे मोटे काम पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स को आप टाइट या फिर लूज कर सकते हैं, स्ट्रैप्स या फिर रस्सी वगैरह को काट सकते हैं और तो और नेल ओपनर, बोटल एंड केन ओपनर, ऐसे कई सारे कामों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉकेट साइज्ड यह टूल टाइटेनियम मटेरियल से बने होने के कारण ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड रफ एंड टफ कामों में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। दोस्तों, इसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और इसका प्राइस आपको लगभग 3099 रुपीस पड़ जाएगा। सॉक बैटन Q2। दोस्तों, ये एक बेहतरीन सेल्फ डिफेंस गैजेट होने के साथ साथ एक मल्टी टूल भी है। दिखने में थोड़ा सा सिंपल और पेन की तरह दिखाई देने वाला ये गैजेट अनफोल्ड करने पर एक तीज धारदार स्टेनलेस स्टील बन जाता है जो कि एक नाइफ की तरह काम करता है। दोस्तों, जिससे आप अलग अलग कामों को कर सकते हैं। साथ ही बोटल ओपनर, कैन ओपनर, अलग अलग साइज के रिंचेस भी देखने को मिल जाएंगे। 2.5 इंच शार्प ब्लेड आपको सेल्फ डिफेंस में काफी मदद करती है। साथ ही पीछे की तरफ छोटी सी LED फ्लैशलाइट रहती है, तो इस तरीके का मल्टी टूल गैजेट के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। विसन पॉकेट नाइफ। सेल्फ डिफेंस या फिर कोई और छोटे मोटे काम के लिए हम सभी नाइफ का इस्तेमाल तो करते ही हैं, पर अगर उसका साइज कंफर्टेबल ना हो तो उसे हर जगह लेके आ जा नहीं सकते। पर मिलिए इस छोटे से पॉकेट नाइफ से जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव है। 8CR13 मूव स्टेनलेस स्टील से बनी ये नाइफ कोरोजन फ्री है। साथ ही इसे आप एक की रिंग की तरह भी हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। वाटच इलेक्ट्रोशॉक वेपन। दोस्तों, बात अगर सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल की जाने वाली वेपन्स की हो तो स्टन गन को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के स्टन गन तो मिल ही जाते हैं, पर इस स्टन गन की तो बात ही कुछ और है। लगभग 8 मीटर की रेंज तक आप शूट कर सकते हैं। इससे एक इलेक्ट्रिक बुलेट निकलती है जो आपके टारगेट को हिट करेगा और एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ेगा जिससे आपका एनिमी वहां पे पैरालाइज हो सकता है टेम्पोरली या फिर वहां से भाग सकता है और आपको मौका मिल जाएगा वहां से भागने का। यहां से एक साथ आप 2 बुलेट्स फायर कर सकते हैं और तो और इस पे लेजर सार फोकस का फैसिलिटी भी दी गई है जो कि काफी ज्यादा दमदार है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये अमेजिंग वेपन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइडेंटी लॉक गन लॉक। दोस्तों, जोरेक्स की तरह ये भी एक गन सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये दरअसल एक बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम होता है जो गन के ट्रिगर एरिया को लॉक कर देता है और आपके एक टच से ही ये अनलॉक हो जाता है। पर अगर कोई दूसरा इसे अनलॉक करने की कोशिश करे तो तुरंत आपके मोबाइल पे एक इमरजेंसी सिग्नल चला जाता है। महज कुछ ही सेकंड में अपने फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक करके आप गन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप गन इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके का लॉकिंग मैकेनिज्म आपको जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। टेनी बॉट। दोस्तों, आपको अगर टेनिस खेलना पसंद है और हर रोज आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो जो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है और वो है बॉल्स को पटोरना। जी हाँ, और ये काफी ज्यादा बोरिंग और टाइम वेस्टिंग वाला काम है। ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं इस टेनिस बॉल कलेक्टर रोबोट को जो एक ऑटोमेटेड डिवाइस है। ये गैजेट कोर्ट के अंदर घूमता रहेगा और वन बाय वन बॉल्स को अपने ट्रॉली में डालता रहेगा। इसकी बैटरी लगभग 4 से 5 घंटों तक लगातार चलती है और ये एक बार में 80 बॉल्स तक कलेक्ट कर सकती है। पावर विजन S1। दोस्तों, आप अगर मोबाइल फोन से ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो जरूर आपको एक स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती होगी। नॉर्मल वीडियोग्राफी से ये स्टेबलाइजर वीडियो स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा एनहांस कर देगा। किसी भी साइज के मोबाइल फोन के साथ आप इस गिम्बल को अटैच करके काम में ले सकते हैं। इसे फोल्ड करने पर इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है जिससे आप इसे कहीं भी लेके आ जा सकते हैं।
JBL पार्टी बॉक्स। दोस्तों JBL के स्पीकर्स कैसे होते हैं ये तो हम सभी को पता है, पर आपको अगर हाई बेस स्पीकर पार्टी एंड फंक्शंस वगैरह के लिए चाहिए तो इसे एक बार देख सकते हैं। JBL के सिग्नेचर साउंड के साथ तीन तरह के अलग अलग लाइट मोड्स मिल जाते हैं, मीटर, पल्स एंड पार्टी मोड। 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाने वाला 10,000 mAh की बैटरी लगे होने के कारण इस पर आपको 18 आवर्स की प्ले टाइम मिल जाते हैं। इस पर आप माइक्स एंड गिटार को अटैच करके एक्सेस कर पाएंगे, साथ ही वायरलेस ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग एंड USB प्लेबैक जैसे फीचर्स भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। अपने मोबाइल फोन के साथ इसे कनेक्ट करके एक्सेस कर पाएंगे। तो इस अमेजिंग सा पार्टी बॉक्स के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। हेल्म ऑडियो एम्प। दोस्तों आप अगर ईयरफोन या फिर हेडफोन से ज्यादातर म्यूजिक और वीडियो वगैरह सुनते हैं ना, तो बेशक ये गैजेट आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। दरअसल ये एक छोटा सा एम्पलीफायर होता है जो आपके मोबाइल फोन और हेडफोन के बीच कनेक्टर की तरह लग जाएगा और मोबाइल से आ रही साउंड को 6 times ज्यादा बास बूस्ट कर देगा और साउंड क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा। आप काफी अच्छी क्वालिटी के साउंड सुन सकते हैं। इस पर काफी ज्यादा सेटिंग्स एंड कंट्रोल्स दी गई है जिससे आप साउंड क्वालिटी को 12 decibel, जी हाँ 12 decibel तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप म्यूजिक लवर है ना, तो इस गैजेट का परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गोभी ऑरा टेबल लैंप। दोस्तों टेबल लैंप का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, पर आपको अगर एडवांस फीचर वाला एक यूनिक टेबल लैंप चाहिए तो एक बार इसे देख सकते हैं। ये 360° टेबल लैंप है जो चारों तरफ लाइट्स को फैला देता है, और तो और ये RGB लाइट्स के कलर को आप अपने हिसाब से कंबाइंड कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर मौजूद है जहां 4 तरीके के अलग अलग म्यूजिक मोड्स के साथ साथ आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की तरह भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वॉइस कमांड से एक्टिवेट हो जाता है जिससे आप स्मार्ट गैजेट्स को कमांड देकर उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये टेबल लैंप अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। डुअलिंग स्पीकर बर्ड्स। दोस्तों क्या हो अगर आपको एक ही डिवाइस में स्पीकर्स, ईयरबर्ड्स एंड डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाए। मिलिए डुअलिंग स्पीकर बर्ड्स से, जहां आपको ईयरबर्ड्स, डुअल स्पीकर्स एंड एक कंप्लीट स्पीकर्स देखने को मिलेगा। ये पहला इस तरह का स्पीकर है जिसके अंदर ईयरबर्ड्स मौजूद है। फुल चार्ज पर 6 hours प्ले टाइम मिल जाता है, जहां पार्टी मोड, डुओ मोड एंड सोलो मोड ऐसे 3 तरीके के मोड से आप म्यूजिक एंड वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। इसे कैरी करके आप कहीं भी लेके आ जा सकते हैं, और यहां आपको AI नॉइज कैंसिलेशन माइक्स भी मिल जाएगा जिससे कॉलिंग एंड म्यूजिक वगैरह की क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। फिजिट फोन होल्डर। जैसे फिजिट स्पिनर सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उसे गोल गोल घुमाना काफी ज्यादा आसान होता है। ऐसा ही कुछ इस गैजेट की मदद से आप कर सकते हैं। इसे अगर आप मोबाइल फोन के पीछे की तरफ प्लग कर देंगे तो ये एक फोन होल्डर, स्पिनर और स्टैंड हर तरीके से आप काम में आएगा। अगर आप मोबाइल फोन हमेशा कैरी करते हैं तो इस तरह की गैजेट की मदद से आपको काफी ज्यादा मजा आने वाले हैं। साथ ही ये हमेशा आपके हाथ की उंगलियों में फंसा रहेगा जिससे आपका मोबाइल फोन गिरना या फिर चोरी होने का सवाल ही नहीं उठता। सर्किल फोन। दोस्तों आप अगर ट्रेडिशनल फोन से बोर हो चुके हैं ना, और एक ऐसा मोबाइल फोन लेना चाहते हैं जो सबसे हटके और यूनिक हो, तो पेस है सर्किल फोन। इसका साइज एंड शेप देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा यूनिक है। 147 ग्राम का यह मोबाइल फोन पर 3.45 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जहां आपको 13 मेगापिक्सल के बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा मिल जाते हैं। यहां क्वालकम स्नैपड्रैगन विद डुअल सिम एंड माइक्रो SD स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। 3x32 मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ 20,000 mAh का बैटरी मिल जाता है। दोस्तों आपको अगर सिंपल यूजर्स के लिए एक यूनिक मोबाइल फोन चाहिए तो इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही आप अगर किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो उसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही आपको अगर डिफेंसिव वेपन्स के ऊपर और भी ज्यादा वीडियोस देखना है तो स्क्रीन में दिखाए गए और भी 2 वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिफेंसिव वेपन्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स दिखाया है। दोस्तों वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सच में बहुत बहुत धन्यवाद।